उत्तराखंड में 5 अक्टूबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदान होंगे। हरिद्वार जिले को छोड़कर के पूरे उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए कल यानी कि शनिवार को पहले चरण की वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पंचायत चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कई सारे इल्जाम लगाया। उन्होंने पंचायत चुनाव में कांग्रेस के जीतने का दावा भी किया, मगर कैसे, देखिए। पूरी पार्टी ताकत से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव प्रभावित करने के लिए येन केन प्रकारण सारे अपने हथकंडे अपना रही है। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग सबको प्रभावित कर रही है, तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, शराब पैसा सब चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जीतेगी।